हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है राजेश ब्लॉग इंडिया यूट्यूब चैनल में। और मैं आ पहुँचा हूँ गोवर्धन में, करीब गोवर्धन से 2 किलोमीटर दूर स्थित राधा कुंड के पास में ही है कुसुम सरोवर, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और राधा जी यहाँ पर रास लीला करते थे। और यह कुसुम सरोवर जिसकी लंबाई करीब 450 फीट और गहराई 60 फीट नीचे है इसकी गहराई। और हम आपको दिखाने ले आए हैं आज कुसुम सरोवर, तो चलते हैं देखते हैं कुसुम सरोवर। जैसा कि आप देख रहे हैं कुसुम सरोवर, इसी सरोवर में पारस जो पत्थर है फेंक दिया गया था पहले, लेकिन आज तक उसका किसी को मालूम नहीं पड़ा था। कहा जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी अपनी लीला करते थे, यहीं पर वो आपस में मिला करते थे। तो गाइस, हम आ पहुँचे हैं कुसुम सरोवर, जैसे कि आप देख रहे हैं, और चलते हैं उधर छतरी की तरफ। और ये है मेन एंट्री गेट। ऐसी पकाया तो हम जा रहे हैं उधर की तरफ, जो सामने दिखाई दे रहा है आपको छतरी की तरफ। चलते हैं छतरी की तरफ। और ये है सरोवर जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यह 60 फीट गहरा है ऐसा बताते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो पारस मणि है इसी के अंदर है, जिसको ढूंढने के लिए थे लेकिन वहाँ से वापस नहीं निकल के आए थे, ऐसा बताया जाता है। और हम पहुँचने वाले हैं छतरी की तरफ थोड़ी देर में। और यह सरोवर छोटी जो परिक्रमा है गोवर्धन की उसी में पड़ता है। ये चल रहा है चश्मा लगाकर देखो इस प्रकार से, हाँ ये बन रहा है दमंग। ऊपर चलते हैं और हम आ चुके हैं ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे था छतरी है, और इधर है गेट। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा ये जो छतरी बनी हुई है, ये 9 छतरियाँ हैं। और इसी के बगल में है ये बड़ी छतरी, ये जो दिखाई दे रही है आपको ये सबसे बड़ी छतरी है। उधर एक छतरी है छोटी, उसके बाद एक छतरी इधर है। जैसा कि आपको दिखाई दे रही है ये छतरी है सबसे बड़ी, और उसके पास में है दूसरी छतरी, और आगे सरोवर छतरियों के सामने। इधर ये छोटी छतरी है,
ये छोटी छतरियाँ हैं। जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं आप छतरियाँ, ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है ये सबसे बड़ी छतरी, इसके सामने है ये छोटी छतरी, उसी के सामने ये बड़ी छतरी है, और ये सामने आपको दिखाई दे रही है एक लाइन में लगातार है छतरियाँ हैं, ये 10 छतरियाँ हैं। धूप बहुत पड़ रही है आज, और चलते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ लोकेशन। और ये है पग, ये महाराजा सूरजमल सामने, बहुत ही सुंदर कारीगरी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सूरजमल का सामने चित्र दिखा दे रहा होगा आपको, ये बहुत पुरानी छतरी है। चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं और भी कुछ आपको। दीपक है सामने, अच्छा लग रहा है ना, मस्त। और यह सरोवर, और सामने छोटी परिक्रमा है जो मेन परिक्रमा मार्ग में पड़ता है सरोवर। यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। और तीन छतरी ये हैं, ये सबसे सामने दिखाई दे रहेगी, ये सबसे बड़ी छतरी है, इसी के बगल में है छोटी छतरी, और उसके बगल में फिर एक छोटी छतरी है, और सामने है सरोवर। आराम, ठीक है, आराम करेंगे इधर। पहुंच चुके हैं कृष्ण सरोवर, और कुछ इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं सर से, इसे बात करते हैं। तो सर मेरा नाम राजेश कुमार है, और इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दे सकते हैं। जय श्री राम, मेरा नाम डालचंद है। जो आप इस समय यहाँ बैठे हो, इस स्थान का नाम है कुसुम सरोवर। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ राधा जी का श्रृंगार किया था। बेणी गूथन लीला, जो महिला चोटी करती हैं उसको बेणी कहते हैं, उसका श्रृंगार प्रभु ने अपने हाथों से किया था। तब राधा जी ने प्रसन्न होकर, सरोवर तो भगवान के समय में था, पक्का नहीं था, कच्चा था, ये मोनूमेंट देख रहे हैं ये भी नहीं था। तब राधा जी ने प्रसन्न होकर, कुसुम माने फूल होते हैं, कुसुम उनकी सहेली भी थी, तब राधा जी ने इस स्थान का नाम कुसुम सरोवर रखा, जो आज हम इसे कुसुम सरोवर के नाम से जानते हैं। अंदर आपने पेंटिंग देखी होगी, दिखाई थी अभी, उसमें सबसे पहले गेट से जैसे एंट्री करेंगे आपको सामने दिखाई देंगे महाराजा सूरजमल। ये भरतपुर के राजा थे, जाट राजा थे, इन्होंने दिल्ली में मुगलों को हराया था। हराने के बाद जो भी धन वहाँ से लाए थे, उस धन से इनके बेटे जवाहर सिंह ने इन छतरियों का निर्माण, कुसुम सरोवर जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, बुर्ज देख रहे हैं, इनका निर्माण इनके बेटे जवाहर सिंह ने कराया है। ये छतरी जो आप देख रहे हैं मेन छतरी महाराजा सूरजमल के नाम से है। गोवर्धन साइड में जो सामने जो छतरियाँ हैं वो किशोरी हंसिया के नाम से है। इधर देखेंगे आप राधाकुंड साइड,
इधर लक्ष्मी के नाम से है, तो इस प्रकार से इसको बनाया गया है। बाकी सब घूमने का स्थान है, आप देख रहे हैं, देख सकते हो इसकी कार्विंग नक्काशी सभी राजस्थान की शैलियों से मिली हुई है, जो आज के समय में आप देख रहे हैं। जय श्री राम। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, उधर यह सूरजमल जो भरतपुर राजा थे, ये महाराजा सूरजमल हैं जो हुक्का गड़बड़ा रहे हैं, ये सभा को संबोधित कर रहे हैं। इधर आइए, इधर इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया है। इधर देखेंगे आप, इधर वन सेंचुरी पक्षी विहार ये भरतपुर में है, जो कि महाराजा सूरजमल शिकार खेलते हुए दिखाए गए। इधर में परिवार सहित महाराजा सूरजमल, उनका बेटा जवाहर सिंह, भगवान श्री गिरिराज जी की पूजा करने आए हुए हैं। नीचे की तरफ जो लाइन खींची उससे नीचे रानी का डोला है। अच्छा। बाकी ऊपर जो क्षत्रिय सीलिंग बनी हुई है, इसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, हर कॉर्नर में बनी हुई है। कहीं भगवान जी राधा जी को मना रहे हैं, कहीं झूला झूल रहे हैं, कहीं आंगन चौनी खेल रहे हैं, कहीं होली खेल रहे हैं, कहीं पर्वत धारण किए हुए हैं, माखन लीलाएँ हैं। इस प्रकार को इसमें पेंटिंग में दर्शाया है। ये छत्रियाँ साम तीन रानियाँ, ये किशोर लक्ष्मी के नाम से है, ये जॉन टेन। अच्छा अच्छा, डबल है ये किशोर के नाम से। सर के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय जय। अभी सर ने जैसे कि बताया था कि महाराजा सूरजमल और उनके बेटे ने इसका जीर्णोद्धार कर रहा था इस सरोवर का, और उनकी छत्रियाँ बताई थी, ये छत्रियाँ हैं और उनकी याद में छत्रियाँ बनाई थी, और दिल्ली से जो दौलत लाए थे उस दौलत से ये छत्रियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ पर बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं देश विदेश से देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो ये सरोवर जैसे कि आप देख रहे हैं इधर बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। और बात की सर से, आज आपको कुसुम सरोवर हमें दर्शन कराए कुसुम सरोवर के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ करते हैं वीडियो समाप्त। जय हिंद, जय भारत।